सबसे पहला कॉल आज के लिए एशियन पेंट्स पे है, CLSA का। उनका कहना है कि नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं, लेकिन वो आउट परफॉर्म रेटिंग इस काउंटर के लिए बरकरार रखे हैं। टारगेट जो है उसे बढ़ाया गया है 975 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर उन्होंने किया है, लेकिन FY17 और FY18 के लिए उन्होंने जो EPS का अनुमान है उसमें 4 से 5% की कटौती करी, जिससे कि नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं कल। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर भी CLSA का एक टेक आया, जिसमें उन्होंने जो आउट परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस यहाँ पर भी बढ़ाया गया है, 770 का पहले टारगेट था, अब उसे बढ़ाकर 820 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। तीसरा कॉल आया है के ऊपर, सिटी की एक राय है जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट वो सुझा रहे हैं 334 रुपए प्रति शेयर का। उनका ऐसा कहना है कि सिल्वेनिया को इन्होंने जो बेचा है उसके बाद से इस कंपनी की जो हालात है उसमें सुधार देखने को मिला है। H1 FY16 में जहां रेवेन्यूज में 1% के आसपास ही कमी आई थी, H2 FY16 अगर देखें कंपेरेटिवली बेटर है, वहां पर आय में बढ़त देखने को मिली और भारतीय कारोबार में जिस तरह से मजबूती आ रही है वो आगे चलते हुए अर्निंग्स के लिए की ड्राइवर का काम करेगा। इसके अलावा वोल्टास के ऊपर सिटी का एक टेक है, जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट प्राइस रेस किया है, 262 का पहले टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाकर 358 किया है। दो मेन ट्रिगर वो इस कंपनी के लिए मान रहे हैं, पहला तो ये उनका मानना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से एसी की जो सेल्स हैं उसको ट्रिगर मिलेगा। साथ ही साथ मॉनसून अगर अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड भी काफी स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से उन्होंने बाय मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। आखिरी कॉल है अपोलो टायर्स पर, जिसके नंबर्स अगर आप देखें चारों पैमानों पर खराब रहे हैं और UBS का भी ऐसा मानना है कि नंबर्स खराब रहे हैं। बेटा मार्जिन में करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट उस जा रहे 180 रुपये का।